वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़े हैं एस्केलर वेक्टर, मोशन एंड इट टाइप्स पढ़े हैं हमने। इसके पहले हम यूनिट से पढ़े थे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है कि इन्फॉर्म मोशन और नॉन इन्फॉर्म मोशन ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम इस चीज को कैसे पता करेंगे कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वह यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको हम किस प्रकार से उसको हम ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ा है, तो उस ग्राफ का हम फिर से यहाँ पे हम ग्राफ से ही स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हम कुछ कंडीशंस ले रहे हैं यहाँ पे, फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे, उसके बेसिस पे हम आपको ये बताएंगे कि कब वह यूनिफॉर्म होगा और वह क्यों यूनिफॉर्म होगा और वह क्यों नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट देखते हैं यहाँ पे, इस प्रकार हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही होगा। देख लेते हैं यहाँ पे कि सीधा सा मतलब है कि मोशन से पहले पढ़े थे कि वो क्या करता है कि अपना पोजीशन चेंज करता है। मोशन में पढ़े थे कि वह जो कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपना पोजीशन को चेंज करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वह क्या करता है तो अपना पोजीशन को वो चेंज करता है, क्योंकि टाइम तो रुकने वाला है नहीं, भले ही हम स्टॉप रहेंगे लेकिन वो टाइम कंटिन्यूसली वो चेंज होते रहेगा। तो उसी के रेशियो में, रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम कुछ कंडीशंस ले रहे हैं, हम दो ग्राफिकली कंडीशंस यहाँ पे हम ले रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। चलिए दो कंडीशंस ले रहे हैं यहाँ पे, दो कंडीशंस ले रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम दो ग्राफिकली कंडीशन ले रहे हैं। ऊपर हम लिखते हैं हम डिस्टेंस, इसके लिए हो जाएगा डिस्टेंस और इसमें हो जाएगा टाइम। सिमिलरली इसमें भी डिस्टेंस और इसमें टाइम, यानी से डिस्टेंस टाइम के, ये देखिए हम दो कंडीशन यहाँ पे हम ले रहे हैं कि पहला है यहाँ पे कि पहला सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड है, यहाँ पे भी डिस्टेंस इन मीटर और टाइम इन सेकेंड, मतलब डिस्टेंस हम किससे मेजरमेंट कर रहे हैं तो मीटर मेजरमेंट कर रहे हैं, और यहाँ दूसरा कंडीशन में दोनों में डिस्टेंस मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहला जो एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति है वो क्या करता है कि पहले सेकेंड में यह 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब 1 सेकेंड जब लिंड होता है तो यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही यह 2 मीटर होता है, जैसे ही यह 2 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड में कितना करता है तो 4 मीटर करता है। इसी प्रकार से जब 3 होता है तो 6, 4 होता है तो 8, 5 होता है तो 10 होता है, तो टाइम इंटरवल, और ये हो गया टाइम इंटरवल और ये हो गया डिस्टेंस, मतलब देख रहे हैं सबके बीच में जो टाइम इंटरवल है वह 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, मतलब 4 से 5, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। ठीक है, इसी प्रकार से हम इधर भी कर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5, मीन्स यहाँ पे पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 6, 9,
है ना, या फिर डिफरेंट कंडीशंस हो गए हमारे लिए कि टाइम इंटरवल देख रहे हैं दोनों में सेम है, टोटल 5 सेकेंड ट्रेवल किया है, 5 सेकेंड तक मोशन में है और यह डिस्टेंस डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट किया है। इसमें अगर हम निकालेंगे इसको तो क्या देखते हैं कि 1 से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 4 माइनस 2 में, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 0 से 1 में हो गया 2। इसी प्रकार से मतलब फर्स्ट सेकेंड में कितना हो गया, तो 2 मीटर हो गया नहीं, इसी प्रकार से जो सेकेंड मीटर हुआ मतलब जब यहां से यहां आया, मतलब 1 सेकेंड से लेके और दूसरे सेकेंड तक कितना हो गया, दूसरे सेकेंड में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 मीटर। मीन्स यहाँ भी क्या है तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर अगर हम फिर अब यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये कितना टाइम इंटरवल कितना है, फिर से 1 सेकेंड। तब 2 से 3 के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड। में तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ पे, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 मीटर। इसी प्रकार से अगर हम 4 सेकेंड में हम चले, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 मीटर। इसी प्रकार से अगर 5 सेकेंड में चलते हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 मीटर। मीन्स हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक जो टाइम इंटरवल है, मीन्स जो 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, प्रत्येक कंडीशन में जो 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, इसमें क्या करता है, तो 2 मिनट का या 2 मीटर का यह डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नहीं, चलिए आप इसमें देख लेते हैं कि इसका क्या कंडीशन है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पहला सेकेंड में भी यह 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन फिर जो दूसरा जो है, दूसरा में कितना करता है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। फिर अगर तीसरा में जाए, अगर तीसरे सेकेंड में अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तीसरे सेकेंड में हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 मीटर। नहीं, फिर अगर चौथे सेकंड में अगर हम जाते हैं तो चौथे सेकंड में क्या हो जाएगा यहाँ पे, चौथे सेकंड में हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 मीटर। और अगर लास्ट वाला हम कंडीशन को देख लेते हैं तो लास्ट वाला कंडीशन में हमें क्या दिखता है, 5 सेकंड में 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर हम अब यहाँ पे अगर हम दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में हम क्या हमें मिलता है, इसमें पहला सेकंड में 2 मीटर है, ठीक है, इसमें पहला सेकंड 2 मीटर है, दूसरा में क्या है, तो 4 माइनस 2, ये दूसरा सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 मीटर। ये कितना करता है, तो 1 मीटर। फिर तीसरा सेकंड में ये क्या कितना करता है, तो 2 मीटर। इसमें कितना है, तो 3 मीटर। फिर चौथे सेकंड में इसमें 2 मीटर और इसमें 3 मीटर, और इसमें 5वें सेकंड में 2 मीटर और इसमें 1 मीटर। मीन्स कि अगर जो जो कंडीशन है यहाँ पे कि इसमें क्या है कि प्रत्येक टाइम इंटरवल में, ये जो प्रत्येक टाइम इंटरवल है, तो प्रत्येक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वह क्या है, ये इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल है। इसमें क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स जो इक्वल टाइम मतलब 1 सेकेंड में प्रत्येक 1 सेकेंड है, इसमें क्या करता है कि 2 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मीन्स प्रत्येक 1 सेकेंड में यह 2 मिनट या 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन इसमें क्या है कि पहला में 2 मीटर और दूसरा में 1 मीटर, फिर तीसरा में 3 मीटर, फिर चौथा में 3 मीटर और फिफ्थ है तो फिफ्थ में भी 1 मीटर। मीन्स इसमें टाइम इंटरवल तो सेम है, नहीं इसमें क्या है तो इसमें टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन क्या है कि इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मीन्स कि 1 से अगर हम 5 सेकंड तक ही गए हैं तो डिस्टेंस तो 10 टोटल जो
डिस्टेंस है वो तो 10 हो रहा है, लेकिन उसके बीच जो है अगर प्रत्येक टाइम इंटरवल में, तो प्रत्येक जो आफ्टर 1 सेकेंड जो हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रत्येक आफ्टर 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वह क्या है हमारा, तो अनइक्वल है, मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम, नहीं हम कह सकते यहां पे कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम, मीन्स अगर कोई भी बॉडी अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और अगर इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन, वह कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स अगर कोई भी बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे, अगर वह बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और इसी प्रकार से ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, तो अगर वह बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसमें, तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हमसे क्या कर सकते हैं, तो वह किस में है, तो वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसके अलावा चलिए हम कुछ यहाँ पे इसका कुछ हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम ये जो पहला वाला हमारा कंडीशन है, तो पहले इसका हम एक ग्राफ बना लेते हैं, नहीं तो ग्राफ हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, आप इसके प्रीवियस क्लास में ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, थोड़ा सा उसी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब इस पे क्या लिखेंगे, तो इस पे लिखेंगे टाइम को लिखते हैं, और इस पे डिस्टेंस को हम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है 10 तक है, नहीं दो का ले लेते हैं इंटरवल 2, 4, 6, 8 और 10, 2 का इंटरवल ले लिए। इसी प्रकार से इधर 1 का ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर इसका अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो अब यहाँ क्या है, तो 1 सेकंड कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस इन मीटर और टाइम इन सेकंड, मतलब डिस्टेंस इसमें मीटर में है और टाइम इसमें सेकंड में। तो इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो पहला सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 है, नहीं कि दूसरा सेकंड में यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है। इसी प्रकार से जो तीसरा सेकंड है इसमें कितना है, 6 है, सेकंड में ये 6 है। इसी प्रकार से चौथा सेकंड है इसमें कितना है, 8 है, सेकंड में 8 है। ये पांचवा सेकंड इसमें कितना है, तो 10 है ना। इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। अगर इस कंडीशन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो हम देखते हैं यह जो कंडीशन है इसका ग्राफ किस टाइप का हमारा होगा, हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए भी हम यही कंडीशन करते हैं, नहीं अगर हम कंडीशन करते हैं तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फिर से बना लेते हैं, नहीं ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, 1, 2, 3, 4, 5 5, 2, 4, 6, 8 और 10, ये हो जाएगा फिर से
डिस्टेंस इन मीटर और ये हो जाएगा टाइम इन सेकेंड। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या कर रहा है, ध्यान रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे जब कभी भी मैं लिखना होगा उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हमेशा हम ऑलवेज हम टाइम को ही लिखते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वाई कोऑर्डिनेट पे हम डिस्टेंस को लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। मीन्स ये क्या है, ये सभी हैं कि हमारे टाइम इंटरवल है किसके, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये क्या है, तो ये है हमारे टाइम इंटरवल्स हैं। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यह जो हमारा सेकेंड डाटा है तो सेकेंड डाटा के आधार पे इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहला तो यहाँ 1 का 2 है, चलिए 1 का 2 तो यहाँ पे आ गया, ऊपर आएगा 1 का तो 2 हो गया, लेकिन फिर क्या आया कि 2 में 3 मतलब जो जो दूसरा सेकेंड है दूसरा सेकेंड में कितना है तो 3 है ना, दूसरा सेकेंड में 3 है, फिर तीसरा सेकेंड में कितना है तो 6 है, सेकेंड में 6 है, चौथा में कितना है तो 9 है, चौथा में 9 है और पांचवा में 10 है, पांचवा में 10 है। अब इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं देखते हैं तो किस प्रकार का आता है, ग्राफ है मीन्स अब हम ग्राफ को हम देखते हैं ठीक से अगर देखते हैं तो ये जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये ग्राफ क्या है, ये कर्व लाइन ग्राफ है। मीन्स जब बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो तो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है इसका क्या होगा, इसका कर्व लाइन होगा। मीन्स अगर यूनिफॉर्म मोशन का जो है तो इसका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और अगर जो कर्व लाइन होगा वो किसका हो जाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और अगर ग्राफ अगर कर्व लाइन है मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है तो निश्चित रूप से नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसी को एक्सीलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। मीन्स कभी उसका गति कभी जो उसका जो स्पीड है जो उसका जो मोशन है वो कभी बढ़ जाना और कभी उसका घट जाना मतलब टाइम इंटरवल के साथ वह एक समान नहीं रहना, मतलब अगर एक समान रहेगा प्रत्येक टाइम इंटरवल में अगर प्रत्येक टाइम इंटरवल में जो ट्रेवल लेंथ है वह अगर इक्वल होगा तो वह उसका जो ग्राफ होगा वह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम इंटरवल में तो उसका ग्राफ किस टाइप का होगा, तो उसका ग्राफ जो है उसका ग्राफ कर्व लाइन ग्राफ होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ बिल्कुल उसका कर्व लाइन होता है। चलिए तो आशा करते हैं कि इसको आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, अगर कोई परेशानी हुई होगी तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में इसको निश्चित रूप से आप लिखेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोज हैं वह हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, जैसे स्केलर एंड वेक्टर से रिलेटेड है, इसके बाद यूनिट्स हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशंस हैं, तो ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।